नमस्कार साथियों, राजस्थान टॉक्स पर आपको स्वागत है। राजस्थान टॉक्स पर आज हम बात करेंगे राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीट की हिस्ट्री के बारे में। इस सीरीज में हम बात करेंगे 1951 से लेकर अब तक के हुए चुनाव के इतिहास के बारे में। बात करें हम मारवाड़ की नागौर लोकसभा सीट की, इस सीट पर 1951 से लेकर 2019 तक कुल 18 चुनाव हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस ने 11 बार, भाजपा ने 2 बार, निर्दलीय ने 1 बार, लोक दल ने 1 बार, स्वतंत्र पार्टी ने 1 बार, कांग्रेस यू ने 1 बार व आरएलपी ने 1 बार अपनी जीत का परचम लगाया है। इस सीट पर पहला चुनाव 1951 हुआ। 1951 के चुनाव में नागौर में पाली का कुछ हिस्सा भी शामिल था। इस चुनाव में गजाधर निर्दलीय रूप से व पटेल गोविंदलाल कांग्रेस के टिकट से चुनाव मैदान में उतरते हैं। गजाधर यहाँ से 14,465 वोट से विजय प्राप्त कर सीट से पहले सांसद चुने जाते हैं। तो वही अगला चुनाव 1957 हुआ। 1957 के चुनाव में मथुरादास माथुर कांग्रेस से व केसरी सिंह निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरते हैं। मथुरादास माथुर यहाँ से 65,033 वोट से विजय प्राप्त कर सीट से सांसद चुने जाते हैं। वही 1960 में इस सीट पर उपचुनाव होता है। उपचुनाव में नंद कुमार कांग्रेस के टिकट से, तो वही बी सिंह रामराजे परिषद के टिकट से चुनाव मैदान में उतरते हैं। नंद कुमार यहाँ से 51,592 वोट से विजय प्राप्त कर सीट से सांसद चुने जाते हैं। तो वही अगला चुनाव 1962 में हुआ। 1962 के चुनाव में सुरेंद्र कुमार दे कांग्रेस के टिकट से, तो वही मदन सिंह निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरते हैं। सुरेंद्र कुमार यहाँ से 30,884 वोट से विजय प्राप्त कर सीट से सांसद चुने जाते हैं। वही अगला चुनाव 1967 में हुआ। 1967 के चुनाव में नंद कुमार स्वतंत्र पार्टी से, तो वही ओंकार सिंह कांग्रेस के टिकट से चुनाव मैदान में उतरते हैं। नंद कुमार यहाँ से 23,796 वोट से विजय प्राप्त कर सीट से दूसरी बार सांसद चुने जाते हैं। अगला चुनाव 1971 में हुआ। 1971 के चुनाव में कांग्रेस के कद्दावर नेता व किसान नेता नाथुराम मिर्धा कांग्रेस के टिकट से, तो वही नंद कुमार स्वतंत्र पार्टी के टिकट से चुनाव मैदान में उतरते हैं। नाथुराम मिर्धा यहाँ से 1,895 वोट से विजय प्राप्त की सीट से पहली बार सांसद चुने जाते हैं। वही अगला चुनाव 1977 में हुआ। 1977 के चुनाव में नाथुराम मिर्धा फिर से कांग्रेस के टिकट से, तो वही लोकदल के टिकट से किशन लाल शाह चुनाव मैदान में उतरते हैं। नाथुराम मिर्धा 20,154 वोट से विजय प्राप्त की सीट से दूसरी बार सांसद चुने जाते हैं। वही अगला चुनाव 1980 में हुआ। 1980 के चुनाव में नाथुराम मिर्धा कांग्रेस यू के टिकट से, गोवर्धन सोनी जनता पार्टी के टिकट से, तो वही मोहम्मद उस्मान कांग्रेस आई के टिकट से चुनाव मैदान में उतरते हैं। नाथुराम मिर्धा यहाँ से 23,215 वोट से विजय प्राप्त की सीट से तीसरी बार लगातार सांसद चुने जाते हैं। तो वही अगला चुनाव 1984 में हुआ। 1984 के चुनाव में नाथुराम मिर्धा के भतीजे रामनिवास मिर्धा कांग्रेस के टिकट से, तो वही नाथुराम लोकदल के टिकट से चुनाव मैदान में उतरते हैं। वही जनता पार्टी के टिकट से कल्याण सिंह कालवी चुनाव मैदान में उतरते हैं। रामनिवास मिर्धा यहाँ से अपने चाचा नाथुराम मिर्धा को 48,535 वोट से हरा करके सीट से पहली बार सांसद चुने जाते हैं। तो वही अगला चुनाव 1989 में हुआ। 1989 के चुनाव में नाथुराम मिर्धा लोकदल के टिकट से, तो वही रामनिवास मिर्धा कांग्रेस के टिकट से चुनाव मैदान में उतरते हैं। नाथुराम मिर्धा इस सीट से फिर से 1,90,270 वोट से विजय प्राप्त की सीट से सांसद चुने जाते हैं। तो वही अगला चुनाव 1991 हुआ। 1991 के चुनाव में नाथुराम मिर्धा फिर से कांग्रेस के टिकट से चुनाव मैदान में उतरते हैं। तो वही बीजेपी के टिकट से सुशील यहाँ से चुनाव मैदान में उतरते हैं। नाथुराम मिर्धा इस सीट से फिर से 1,55,044 वोट से विजय प्राप्त की सीट से सांसद चुने जाते हैं। अगला चुनाव 1996 हुआ। 1996 के चुनाव में नाथुराम मिर्धा फिर से कांग्रेस के टिकट से चुनाव मैदान में उतरते हैं। तो वही हरिश्चंद कुमावत बीजेपी के टिकट से चुनाव मैदान में उतरते हैं। वही समता पार्टी के टिकट से लोकेंद्र सिंह कालवी चुनाव मैदान में उतरते हैं। नाथुराम मिर्धा यहाँ से 1,54,034 वोट से विजय प्राप्त की सीट से लगातार सांसद चुने जाते हैं। तो वही अगला चुनाव 1998 हुआ। 1998 के चुनाव में राम रघुनाथ कांग्रेस के टिकट से, तो वही जसपाल मिर्धा बीजेपी के टिकट से चुनाव मैदान में उतरते हैं। राम रघुनाथ यहाँ से 1,06,399 वोट से विजय प्राप्त सीट से पहली बार सांसद चुने जाते हैं। तो वही अगला चुनाव 1999 हुआ। 1999 के चुनाव में राम रघुनाथ फिर से चुनाव मैदान में उतरते हैं। तो वही विजय पुनिया बीएसपी के टिकट से चुनाव मैदान में उतरते हैं। वही बीजेपी के टिकट से श्याम सुंदर काबरा चुनाव मैदान में उतरते हैं। राम रघुनाथ यहाँ से 48,469 वोट से विजय प्राप्त सीट से दूसरी बार सांसद चुने जाते हैं। तो वही अगला चुनाव 2004 में हुआ। 2004 के चुनाव में भंवर सिंह डांगावास बीजेपी के टिकट से, तो वही राम रघुनाथ कांग्रेस के टिकट से, तो वही मूलचंद बीएसपी के टिकट से चुनाव मैदान में उतरते हैं। भंवर सिंह डांगावास पहली बार बीजेपी को 70,627 वोट से विजय दिलाते हैं। तो वही अगला चुनाव 2009 में हुआ। 2009 के चुनाव में डॉक्टर ज्योति मिर्धा कांग्रेस के टिकट से, तो वही बिंदु चौधरी बीजेपी के टिकट से चुनाव मैदान में उतरती हैं। तो वही डॉक्टर ज्योति मिर्धा यहाँ से 1,55,137 वोट से पहली बार सांसद चुनी जाती हैं। तो वही अगला चुनाव 2014 में हुआ। 2014 के चुनाव में सीआर चौधरी बीजेपी के टिकट से, तो वही डॉक्टर ज्योति मिर्धा कांग्रेस के टिकट से चुनाव मैदान में उतरती हैं। तो
वहीं अशिया चौधरी सीट से 55,218 वोट से बीजेपी को दूसरी बार सीट से जीत दिलाते हैं। तो वहीं अगला चुनाव 2019 के चुनाव में आरएलपी के टिकट से हनुमान बेनीवाल, तो वही कांग्रेस के टिकट से डॉक्टर ज्योति मिर्धा फिर से चुनाव मैदान में उतरती हैं। लेकिन आरएलपी के हनुमान बेनीवाल यहाँ से 181,260 वोट विजय प्राप्त कर सीट से पहली बार सांसद चुने जाते हैं। इसके साथ में हम इस सीट पर हमारी अगली सीरीज में विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप तक हमारे अगले वीडियो के अपडेट पहुँचती रहें। मिलते हैं अगली लोकसभा पाली के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।